बदलाव की शुरुआत कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को करना ही होगा, और एक शख्स चाह के भी इस देश में बड़ा बदलाव नहीं ला सकता है। बड़ा बदलाव तभी होगा जब अनेकों लोग एक साथ प्रयास करेंगे। मैं अभी मुंबई में हूँ और मुंबई का ये बॉम्बे हाउस है। बॉम्बे हाउस का मतलब कि टाटा का हेडक्वार्टर, टाटा कंपनी जो भारत की सबसे अच्छी, सबसे विश्वसनीयता वाली कंपनी है, और भारत के लोग सबसे ज़्यादा जिस कंपनी पे ट्रस्ट करते हैं उसी का ये हेडक्वार्टर है। शुभकामना देना चाहते हैं हम लोग रतन जी टाटा को, क्योंकि एयर इंडिया अभी टाटा की हो गई है। पहले भी टाटा की थी, कुछ दिनों तक सरकार ने उसे चलाया था। जब सरकारें असक्षम हो जाती है ना, तो सरकारी कंपनियां बिकना शुरू हो जाती है, और एयर इंडिया बिकी नहीं है। एयर इंडिया जिसकी थी उसके पास चली गई है, और अब हमें उम्मीद है कि एयर इंडिया का संचालन अच्छे से होगा। जो एयर इंडिया घाटे में थी, अब वो एयर इंडिया टाटा का लोगो, टाटा का नाम और टाटा का मैनेजमेंट के साथ, सबसे इम्पोर्टेंट टाटा के विश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। यहाँ पे आने का एक मकसद है, मैं बिहार का हूँ और बिहार में इंडस्ट्री नहीं है, तो हम किससे रिक्वेस्ट करें? सरकार से रिक्वेस्ट कर करके हम लोग थक चुके हैं, तो हम इस देश के सबसे ईमानदार बिजनेसमैन श्री रतन जी टाटा से विनती करना चाहते हैं कि एक बार आप बिहार आएँ। आपकी अनेकों कंपनियां हैं, TCS है, टाटा मोटर है, टाटा सन्स है, टाटा स्टील है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। यहां तक कि जिस कंपनी ने आपका इंसल्ट किया था, फोर्ड कंपनी, उसका रेंज रोवर और जेगुआर को आपने परचेज कर लिया, और सुनने में आ रहा है कि फोर्ड कंपनी जो हिंदुस्तान को छोड़ के चली गई है उसको भी आप परचेज करने वाले हैं। देश पे अनेकों एहसान आपने किया है, एक एहसान इसी देश का एक राज्य है बिहार, उस पे कीजिए, और एक कंपनी लेके आइए टाटा का बिहार में। एक उम्मीद जगेगा टाटा के साथ, विश्वास के साथ। हम चाहे तो हम रिलायंस के आगे भी जाके वीडियो बना सकते थे, जिंदल के आगे भी जाके वीडियो बना सकते थे। हमें उम्मीद है टाटा से, हमें उम्मीद है इस देश के सबसे ईमानदार बिजनेसमैन श्री रतन जी टाटा से। अगर हमारा वीडियो बिहार के लोग और इस देश के लोग वहाँ तक पहुँचा देंगे, तो शायद एक बदलाव होगा, और रतन जी टाटा एक छोटा ही कंपनी बिहार लेकर आएंगे, और बिहार में फिर रोजगार सृजन होगा, बिहार में फिर इंडस्ट्री आएगा। इस देश के अनेकों भाग में बिहारियों को गलत निगाह से देखा जाता है। उसके लिए बिहारी गलत नहीं है, बिहार के लोग बहुत अच्छे होते हैं, हमारी सरकारें गलत हैं जो बिहारियों को पलायन करने के लिए मजबूर कर देती है। पैदा होने के लिए हॉस्पिटल ढूंढा जाता है तो बाहर जाना पड़ता है, पढ़ने के लिए स्कूल ढूंढा जाता है तो बाहर जाना पड़ता है, और रोजगार के लिए जब कंपनी ढूंढी जाती है तो बाहर जाना पड़ता है। सबसे ज़्यादा ISIPS बिहार के, सबसे ज़्यादा मेहनती मजदूर बिहार के, सबसे ज़्यादा काबिल लोग बिहार के, फिर भी बिहारी दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारी सरकारें असक्षम है, और इसे हम लोग दावे के साथ कहते हैं। तो बस हम अपने सरकार से विनती कर कर के थक चुके हैं, यहाँ तक कि हम केंद्र सरकार से भी विनती करके थक चुके हैं। केंद्र में अनेकों सरकार आई, इसके पहले कांग्रेस थी, उसके पहले खिचड़ी सरकार थी, उसके पहले भी कांग्रेस थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, फिर अभी मोदी जी की सरकार है। इस देश के सिर्फ और सिर्फ एक प्रधानमंत्री ने बिहार के बारे में सोचा, वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी। आज बिहार के लोग परेशान हैं, आज बिहार परेशान है। इतनी सारी परेशानियों के बावजूद सब जगहों से जब हमारा उम्मीद जो है ना वो टूट गया, तो हमने सोचा कि एक विनती, एक गुहार, एक उम्मीद टाटा के पास लेके चलते हैं, और क्या पता हमारा ये गुहार अगर टाटा तक पहुंच जाए तो टाटा कुछ इंडस्ट्री बिहार में लेके आएगा। बिहार के लोगों के तरफ से हम सभी बिहारी वादा करते हैं कि टाटा को किसी भी प्रकार की परेशानी बिहार में नहीं झेलनी पड़ेगी, और जो भी कंपनी होगा देश के किसी भी कोने में, जिस प्रकार से टाटा ग्रो कर रहा है उससे फास्ट ग्रो बिहार में करेगा। बस विनती है रतन जी टाटा से
कि एक कंपनी बिहार में लेके आए, चाहे वो TCS हो या टाटा मोटर हो या टाटा सन्स हो या टाटा स्टील हो, लेकिन एक कंपनी लेके आए। चूँकि अगर आप लेके आएंगे तो आपको देखने के बाद अनेकों कंपनियां फिर बिहार में आएगी और फिर बिहार के लोगों के समस्या का समाधान होगा। बस इसी उम्मीद से मैं हिंदुस्तान का जो टाटा का हेड क्वार्टर है बॉम्बे हाउस, वहाँ पे आया हूँ और यहीं पे रतन जी टाटा बैठते हैं और यहीं पे टाटा के बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं, और उन सभी अधिकारियों से विनम्र पूर्वक आग्रह कर रहा हूँ। बाकी मेरी बातें अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे शेयर करके दूर तक पहुँचाना, क्या पता आपका एक शेयर बिहार का तकदीर और तस्वीर बदल दे। उम्मीदों का पोटली लेकर मुंबई में टाटा हेड क्वार्टर के पास से एक देश के सबसे ईमानदार और सबसे काबिल बिजनेसमैन रतन जी टाटा से बिहार के लिए गुहार करते हुए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद।